तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। ऑल ऑफ़ यू हाई। और आज की ताज़ा खबर कि आज मेरी दोनों मासी लोग जा रही है वापस बनारस, तो हम जा रहे हैं उनके लिए कुछ चिप्स, बिस्किट, नमकीन ट्रेन के लिए सफ़र में जो यूज़ होंगे वो चीज़ें लाने डीमार्ट। और अभी हम उनको 2 बजे जाएंगे स्टेशन छोड़ने, 4 बजे उनकी ट्रेन है। और गूगल दी मेरे साथ जा रही है डीमार्ट, हम लोग जा रहे हैं सामान लेने ताकि बच्चों को रास्ते में, बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह, स्नैक्स एंड ऑल, रिफ्रेशमेंट्स, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे कुछ लगे ना लगे भूख जरूर लगती है। तो जिंदगी एक सफर सुधारना और ट्रेन में बैठे बैठे खाते हुए जाना। कल हुई थी पूरी फैमिली गैदरिंग, सबको आए थे मौसा जी से मिलने क्योंकि उनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और सबका मन भी था आने का, प्लस स्तुति को छोड़ने आना था पूनम मौसी को, तो वो लोग भी आए थे। और पीछे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं तो काफ़ी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही होगी क्योंकि बहुत हल्ला गुल्ला होता रहता है यहाँ सोसाइटी में। और आज जाना है सबको छोड़ने, आज पूनम मौसी और सुमन मौसी वापस जा रही हैं। मम्मी की कमी यहाँ मैं पूरी कर रहा हूँ, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा सिंगर फोर्ट की ट्रैकिंग पे मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और मेरा मन था बहुत जाने का, लेकिन जब मैं सुबह उठा भोर में 5 बजे तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर गया और आया तो उसके बाद तो बीमारी पड़ जाऊँगा। और उन लोग को बहुत टाइम लगा था, मतलब वो लोग 7 बजे निकले और वापस आते आते 3-4 बज गए थे। तो एक टाइप से ठीक ही है क्योंकि फिर अभी मौसा जी को लेकर जाना है हॉस्पिटल, उनकी रेडियो थेरेपी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कैसी लगी मेरी फैमिली। हम लोग 2 बजे निकलेंगे ट्रेन में, सबको बिठा रहे हैं, 4 बजे ट्रेन है मौसी लोग की और स्टेशन का भी ब्लॉग बनेगा पूरा। तो अभी मासी रेडियो के आ चुकी है नीचे और पिटू मौसी भी आई मासी छोड़ने के लिए और सुमन मौसी जा रही है, उनको छोड़ने के लिए सबको रेडियो रखा है। ये गूगल भी देखो, ये तो ऐसे रेडी हुई जैसे अपने मेहंदी में जा रही है हल्दी। तो मौसी आके आपको कैसा लगा? पूना छोड़ने का ही मन नहीं हो रहा। मेरी मासी का पूना छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। मासी आई थी मौसा जी से मिलने, लेकिन यहाँ पूरा कोसी नदी से भी प्यारी है हमारी मौसी जो मेरी पड़ोसी भी है, इसलिए पड़ोसी के नाते मैंने छोड़ने जाए। तो मासी मेरी थोड़ा थोड़ा घबराती है ट्रेन में जाने से, तो हम लोग सब मिलके उनको बोले कि हम लोग 3 लोग जा रहे हैं छोड़ने मासी को, मैं, श्वेता और गूगल दी, और पूरा बैठा के चद्दर लगा के एकदम कंबल मल बिछा के और फिर उड़ा के आएंगे दो हर उड़ के। तो टेंशन नहीं, टेंशन मत लिया, चिल करो, चिल मासी यहाँ के एकदम चिल हो गई एक हफ्ते। मासी मेरी शादी की टेंशन ले रही है सर, मैं बोलता हूँ मैं शादी नहीं करूँगा, कैसा है? अरे करना अपने हिसाब की लड़की, जीवन साथी चाहिए ना, वही करप चल रहे हैं। बहुत इच्छा थी मिलने की, मिले, देखिए कब फिर मुलाकात होती। मासी की विदाई हो रही है, आधी पब्लिक रो रही है। एक बार इनकी विदाई में नाना बहुत रोए भकर भकर के। तो क्या उद्देश्य था यहाँ आने का? डॉक्टर साहब से मिलना। मिली अच्छे से? अच्छा लगा पुणे आके? देखो हम लोग बोले सही बोले ना, सबको आपको मिला रहे थे कब से, सब जन बुला रहे थे। मासी लेके जा रही है 6-6 सामान, खुद एक मासी मिला के हो गए 7 और हम बाकी लोग जा रहे थे लोग छोड़ने। सबसे ज्यादा मेहनत की पिट्टू मौसी ने, इतना खाना बनाया मौसी ने, इतने लोगों को खिलाया, ऐसा मतलब टेंट हाउस शादी का घर होता है, उससे ज्यादा खाने बन रहे थे हमारे। मुझी बारह जैसे बनते ना लोग, शादी का घर है हमारा, शादी के लिए हमारे घर के बच्चे तैयार नहीं, पर शादी का पूरा माहौल रहता है हमारे हमेशा। पूरे पुणे में आपको क्या अच्छा लगा बताओ? मासी को नांदेड़ सिटी बहुत पसंद है, मेरे को भी बहुत पसंद है। सफल हो गए हैं आप लड़के, गुड इन्वेस्टमेंट मौसा जी। थैंक यू रंजन मौसा, थैंक यू संगीता मौसी। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले स्टेशन, मौसी को छोड़ेंगे ट्रेन में बिठाएंगे। अभी पूनम मौसी निकली नहीं है घर से, सौम्या से बात हुई हमारी, ट्रेन से भी आगे चलते हुए जिंदगी में स्पीड में मौसी निकली, मुझे लगता है ट्रेन से पहले बनारस पहुंच जाएंगे। फीलिंग तो ऐसी आ रही जैसे फ्लाइट पे बिठाने जा रहा हूं क्योंकि 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन, तो अभी सौम्या पहुंच चुकी है और ये निकल रही वापस। एक हफ्ते का बहुत अच्छा ट्रिप, मस्ती भरा, फाइनली आ गए, अच्छा लगा बहुत। सब जन पहुंच गए, सारा सामान हमारा, थकान हो गई दौड़ने में, सारी पब्लिक बैक टू बनारस, फील बी वेरी सून बैक टू प्लीज। एडिट करते करते थक जाना है मैंने, कभी चाय बिक रहा है, कभी वड़ा पाव बिक रहा है, कभी पानी बिक रहा है। This is the little thing I have learned here. And love Korea, and one more thing is Kai Zala. ये इतना सच कि हमें छोड़ने आई है, sunglasses लगा कर उनकी शक्ल देख लीजिए। अरे वो रो रही थी इसलिए sunglasses। हाँ वो रो रही थी इसलिए मैंने sunglasses लगा ली ताकि मैं अपने tears को hide कर सकूँ। तो कान्हा सिंह मजा आया पुणे आके? बहुत मजा आया, पुणे बहुत अच्छी जगह और ना पुणे की जो नांदेड़ सिटी है वो इतने पहाड़ से मैंने आज तक और ये हमारा संस्कारी अजितेश रघुवंशी अपनी मौसी के पैर पड़ते हुए। आखिरी झलक जाने से पहले बाय बाय, बनारस से मिलते हैं अब सीधा। बड़ी मौसी, मासी बाय, सुमन मौसी, टेंशन नको, कान्हा सिंह बाय बोलो, कान बाय कान्हा। और ये देखो भाई बहन का प्यार, कजिन ही सही, सौतेली सही, पर हम अपने सगे सभी सगे। ये सब मैं रोते हुए रो रो के पूरा गीला कर दिया, अब पता नहीं रो के किया कि सुसु करके किया राम जाने। हमें इतनी कम जगह मिली मिलने के लिए, लेकिन हम लोग मिले, कम समय, कम जगह, समय, कमी था हमारे पास। होंगे 10 साल बाद, मैं तो अगले 2 सालों में होंगी, आई प्रॉमिस।
बाकी के लिए नहीं बट बहन के लिए जरूर होगी। वापस जाते हुए अपने राज के लिए अपने करियर की खोज में तो जहाँ से मिल जा जी ले अपनी एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए ऑल द बेस्ट। सब जन जा रहे हैं, बड़ा बुरा लग रहा है। तो हम चले अपने घर। देखो जिंदगी एक सफर है सुहाना, और कभी कभी लोगों को स्टेशन पे छोड़ने आने में अलग ही मजा आता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कभी कभी लोगों को स्टेशन छोड़ने आना। सबसे दुखी मुझे होना है क्योंकि ये सब चले जाएंगे। थारा भाई क्या करेगा, क्या थारा भाई क्या करेगा, थारा भाई ये निकल लेंगे भिलवाड़े, ये निकल लेंगे भिलाई पुणे में सिलाई। तो जैसा कि आपने देखा हम लोग सबको स्टेशन पे छोड़ के आ चुके हैं, थक गए, एकदम एग्जॉस्ट हो गए, बहुत दूर है, काफी दूर है। इसका दुख हमें समझ में आया, बेचारा रोज वहीं तक कॉलेज जाता है, रेगुलरली अप डाउन करता है, इतना दूर, कमर टूट चुकी है और बहुत जोर से नींद आ रही है, और सबके घर पे आने का कोई मोटिवेशन भी नहीं, सब चले गए, सब चले गए, हमारा घर सुनसान हो गया एकदम, अधूरा अधूरा सा लगे, जग सुना सुना लगे। तो होप्स हो सबको अच्छे से पहुंच जाए, पूना ही पूरा सुना, हमारी मौसी घबराए ना और चुपचाप आराम से पहुंच जाए। बाय सुमन मौसी, बाय पूनम मौसी, बाय सौम्या, हैप्पी जर्नी, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी आएंगे बनारस हम लोग मिलने। और यहां तक व्लॉग को देख लिया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट में बताओ कि मेरी फैमिली आपको कैसी लगी, और मम्मी कमी मैं यहाँ पूरी कर ही रहा हूँ तो मम्मी लाइक कर देना। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, ऑल ऑफ यू बाय। हाँ तो इसी के साथ वाला व्लॉग एंड करते हैं, ऑल ऑफ यू बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब करिए प्लीज, और लाल वाला बटन ये बस ये लाल कलर का बटन दबा दीजिए, लाल कलर वाला भी, लाल कलर वाला बटन, लाल कलर का बटन दबा दो।